शांति एवं अहिंसा निदेशालय जयपुर के निर्देश एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के आह्वान पर शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आतंकवाद के विरुद्ध शपथ ग्रहण कार्यक्रम एवं सद्भावना शांति विकास विषयक सेमिनार का आयोजन तहसील कार्यालय के सभागार में हुआ, जहां प्रशासन व शासन के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया तथा महापुरुषों व शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर सामूहिक संकल्प लिया कि हम भारत देश में आतंकवाद जैसे नासूर को दूर कर अखंड भारत की रक्षा करेंगे। आयोजक कार्यवाहक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रवीण सिंह भाटे द्वारा स्वागत किया। उप जिला प्रमुख सागरमल बोहरा बतौर मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सपनों को साकार करते हुए शांति व सद्भाव को अहिंसा के रूप में बढ़ावा देना होगा। जैसा कि महात्मा गांधी ने अखंड भारत देश के प्रति देश की सुरक्षा के लिए कई प्रकल्प चलाए थे। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, पुलिस विभाग के CI सहित जाप्ता प्रशासनिक विभाग, तहसील कार्यालय से नायब तहसीलदार व पटवारी, विकास अधिकारी, स्काउट एंड गाइड के ब्लॉक बालिकाएं, प्रतिष्ठित महानुभाव एवं कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा विधिवत संपन्न कराया गया। जिस अहिंसा के बल पर, जिस अहिंसा का नाम अगर हमारे मन में आता है तो सबसे पहले जो तस्वीर, जो नाम उभर कर आता है वो आता है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, जिन्होंने अहिंसा के जो परिचायक हैं, जिन्होंने अहिंसा को हथियार बनाकर अहिंसा से हमारे देश को आजाद कराया।